नमस्कार, मैं हूँ सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्तम दवे। सेक्स पार वीडियोस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारे सवाल जवाब का सिलसिला। अंधेरी से आफ्ताब ने प्रश्न किया है, सर 6 महीने पहले मेरी शादी हुई है और हम लोगों ने कई बार संभोग किया है, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा मुझे कहती है कि मुझे चर्मोत्कर्ष नहीं होता। अब ये चर्मोत्कर्ष क्या होता है, मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता है। एक बार फिर मैंने उसे पूछा तो उसने कहा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो सर ये चर्मोत्कर्ष या सेटिस्फेक्शन क्या होता है? चलिए आफ्ताब, आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब एक पुरुष में चर्मोत्कर्ष होता है तब क्या होता है कि उसके लिंग में से वीर्य का स्खलन होता है, जो कम से कम 10-12 फुहारों में निकलता है और वीर्य की मात्रा लगभग एक चाय की चम्मच जैसी होती है, उतनी मात्रा होती है। और जिस वक्त वीर्य निकलता है तो उसके गुप्त अंगों में एक स्पंदन होता है जो बहुत ही हमें आनंद देता है, उस चीज़ को हम चर्मोत्कर्ष कहते हैं। तो ये हो गया पुरुष का चर्मोत्कर्ष, जिसे हम लोग ऑर्गेज्म भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब आते हैं हम औरत के चर्मोत्कर्ष पर। जब एक औरत बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है, उसे यौन आनंद मिल रहा होता है, तो उसका गर्भाशय, उसकी योनि और उसकी जो शीशनिका है वो तीनों स्पंदन में चले जाते हैं। और कुछ औरतों में वो स्पंदन बहुत तेज़ी से होता है, कुछ औरतों में वो स्पंदन बहुत धीरे धीरे होता है, कुछ औरतों को वो स्पंदन बहुत बार होता है, कुछ औरतों को स्पंदन बहुत कम बार होता है। तो ये सारी जो स्पंदन की जो क्रिया है उसे हम चर्मोत्कर्ष कहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपनी पत्नी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में कहा है, आपको बहुत सारा फोरप्ले करना ज़रूरी है जिसके कारण वो चरम सीमा यानी कि चर्मोत्कर्ष तक पहुंच पाए। तो ये थे आपके सवाल का जवाब। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी सेक्स समस्या है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9920655464। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।